ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा, यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की और उसी दल के साथ बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधान परिषद विधानसभा में यदि लागू होने वाला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है? ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो है, 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं, और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में दो बार, संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सर। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर, यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा, यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं, जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है,
चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर, और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है, ये देश संविधान से चलता है।